माय चैनल इट्स इंडियन गर्ल चैनल त्रिशा और एज यू नो मैं हूँ त्रिशा। मेरे आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY शीट मास्क स्पेशली फॉर समर। समर सीजन में हमारी स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए इस शीट मास्क को यूज़ करके आप आपकी स्किन को हाइड्रेट रख सकते हैं और उसके साथ साथ ये शीट मास्क आपकी स्किन की ज़रूरी न्यूट्रिशन को भी सप्लाई करता है। और ये शीट मास्क ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और स्पेशली जब आप बाहर से आते हैं और आपका स्किन बहुत ही डल एंड टायर्ड दिखने लगता है तब इस शीट मास्क को यूज़ करके आप आपकी स्किन को रिजुविनेट कर सकते हैं और आप खुद भी बहुत रिलैक्सिंग फील करेंगे इस शीट मास्क को यूज़ करके। तो चलिए देखते हैं इस शीट मास्क को कैसे बनाना है, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे से आप मेरे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ 3 स्किन हाइड्रेटिंग मास्क शेयर करूंगी, इनमें से आप आपकी पसंद की कोई भी हाइड्रेटिंग मास्क यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हाइड्रेटिंग मास्क बनाने के लिए एक बोल में 1 टीस्पून एलोवेरा जेल और 1-2 टीस्पून रोज वाटर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एलोवेरा सनबर्न ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। एलोवेरा की नेचुरल न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। एलोवेरा स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और ये सारे स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही अच्छा है। रोज वाटर स्किन की पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है और ये स्किन को हाइड्रेट, रिवाइटलाइज, मॉइस्चराइज एंड सूद करता है। रोज वाटर की एंटीऑक्सीडेंट तत्व स्किन सेल्स को रिजेनरेट और स्ट्रेंथन करता है। अब इस मास्क को 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। सेकेंड हाइड्रेटिंग मास्क बनाने के लिए मैं खीरा और ऑरेंज का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले हाफ खीरे को ग्रेट करना है। अब इसका जूस निकाल लीजिए। खीरे का जूस एक नेचुरल टोनर है, इसमें कूलिंग तत्व है और ये डल ग्रीसी कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है और ये एस्ट्रिंजेंट तत्व की तरह काम करके स्किन को क्लीन करता है। ये सनबर्न को ठीक करता है और ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है। इस खीरे के जूस में मैं थोड़ा सा ऑरेंज जूस भी ऐड कर रही हूँ। ऑरेंज जूस में भरपूर मात्रा में विटामिन सी है जो स्किन टेक्सचर और कलर को इम्प्रूव करता है और ऑरेंज पील में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एक्सेस ऑयल को मेंटेन करता है। अब इसमें मैं ऑरेंज पील के कुछ छोटे छोटे टुकड़े ऐड करूँगी क्योंकि ऑरेंज पील में ऑरेंज जूस से ज़्यादा विटामिन सी पाए जाते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून रोज वाटर ऐड कीजिए। आप सिर्फ खीरे के जूस से या फिर ऑरेंज जूस से इस मास्क को बना सकते हैं। इसे यूज़ करने से पहले फ्रिज में 5 से 10 मिनट ठंडा होने के लिए रख दीजिए। थर्ड हाइड्रेटिंग मास्क बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाटरमेलन मतलब तरबूज। अब एक बोल में इस तरीके से इसे कलेक्ट कीजिए, फिर एक फॉर्क से इसे स्मैश कर लीजिए। अब इसका जूस एक बोल में कलेक्ट कर लीजिए। वाटरमेलन में भरपूर मात्रा में लिकोपेनी, विटामिन सी एंड विटामिन ए होते हैं। ये विटामिन स्किन पोर्स साइज को मिनिमाइज करता है और सीबेसियस ग्लैंड से एक्सेस ऑयल सिक्रेशन को कम करता है और ये डल स्किन को भी रिजुविनेट करता है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून रोज वाटर ऐड कर रही हूँ। यूज़ करने से पहले इस मास्क को फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिए। ये रहे 3 बेस्ट समर स्पेशल स्किन हाइड्रेटिंग मास्क। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इन मास्क में थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं और आप इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में बना के फ्रिज में 3-4 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। इन हाइड्रेटिंग मास्क को यूज़ करने के लिए मैं कॉम्प्रेस शीट मास्क की इस्तेमाल कर रही हूँ। इन्हें इन हाइड्रेटिंग मास्क में डालने से ये हाइड्रेटिंग मास्क को सोक कर लेता है। इसके बाद आप इसे ओपन करके अपने फेस में अप्लाई कर सकते हैं। ये शीट मास्क कुछ इस टाइप का दिखता है। इन शीट मास्क को आप कोई भी वाटरी और रनी मास्क को अप्लाई करने के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इस शीट मास्क की परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो इसे वहां से परचेस कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप के शीट मास्क घर में बनाना चाहते हैं तो आप इस टाइप की बेबी वाइप्स या फिर कोई भी वेट टिश्यू ले लीजिए। इस टाइप की वेट टिश्यू में जनरली मॉइस्चराइजर रहता है तो आप इसे नॉर्मल पानी से धो के स्क्वीज कर लीजिए। अब इसे 2 टाइम फोल्ड कर लीजिए।
अब इसकी स्टार्टिंग पोर्शन से फोर फिंगर्स की डिस्टेंस में एक छोटा सा राउंड शेप कट कीजिए। अब एक फोल्ड को खोल दीजिए, जहाँ पे पहला कट किया हुआ है वहां से तीन फिंगर्स की डिस्टेंस में एक स्ट्रेट कट कीजिए। जहाँ पे सेकेंड कट किया हुआ है वहां से वन फिंगर की डिस्टेंस में फिर से एक वी शेप कट कीजिए। अब इस शीट की ऊपर की कॉर्नर को और नीचे की कॉर्नर को इस तरीके से कट कीजिए। ये बन गया आपके घर में बनाया हुआ आपका शीट मास्क। इसे आप किसी भी रनी एंड वाटरी मास्क में डिप करके अपने फेस में अप्लाई कर सकते हैं। शीट मास्क अप्लाई करने से पहले फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। मैंने इस फेशियल क्लींजर से मेरे फेस को क्लीन किया है। ये फेशियल क्लींजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वीडियो का लिंक दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब अपने फेस को पोंछ के इस मास्क को अप्लाई कर लीजिए। मैं वाटरमेलन शीट मास्क अप्लाई कर रही हूँ। इसे अप्लाई करने के बाद आप 20 टू 30 मिनट रिलैक्स कीजिए। ये सिर्फ आपके स्किन को ही हाइड्रेट नहीं करेगा, साथ साथ आपको भी बहुत रिलैक्सेशन फील होगा। 20 टू 30 मिनट के बाद इसे रिमूव कर दीजिए। इसे रिमूव करने के बाद आपके फेस को पानी से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप रात को सोने से पहले अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसे आप हर रोज़ फॉलो कर सकते हैं। समर सीजन में आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए इस मास्क को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, किसी में भी, ताकि उनका भी हेल्प हो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के पास के बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी। इससे आप मेरे कोई भी वीडियोस मिस नहीं करेंगे और जैसा कि आपको पता है मैं नहीं चाहती आप मेरे कोई भी वीडियोस मिस करें। सो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।